दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा हटके है। हम लोग जो केमिकल के ऊपर काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी लाई बनाते हैं पोटासियम हाइड्रोक्साइड से, कॉस्टिक पोटास या नहीं तो कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से लाई बनाते हैं। एक पात्र में पानी लेकर उसमें कॉस्टिक सोडा या कॉस्टिक पोटास देकर उसको मिक्स करते हैं। तो उसके लिए हाथ में ग्लव्स पहनते हैं, कभी कभी आंख में ग्लास लगाते हैं, तो सेफ्टी का जरूरत पड़ता है क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक होता है। तो आज हम एक ऐसा यंत्र बनाएंगे, बस यंत्र का मतलब है मैग्नेट स्टेयर। देखिएगा लैब में यूज होता है छोटा मैग्नेट स्टेयर, ऊपर में रखिएगा, पानी घूमता रहता है, ठीक है। उसमें आप कॉस्टिक सोडा हो या कॉस्टिक पोटास हो आप दे दीजिएगा, ऑटोमेटिक मिक्स हो जाते हैं। मार्केट में खरीदने जाइएगा तो कम से कम 2500 रुपया लेता है, 2 से 2500 रुपया लग जाता है। उसमें हॉट प्लेट रहता है, आज हम जो बनाएंगे हॉट प्लेट नहीं है, उसमें बस ये मैग्नेट स्टेयर बनाएंगे। बस मिक्सिंग, कोई भी लिक्विड आप बना रहे हैं, आप कोई भी लाई बना रहे हैं, ठीक है, आप चाहे तो टोनर बना रहे हैं, कुछ लिक्विड जिसका विस्कोसिटी बहुत हाई नहीं है, वो आप आसानी से इसे मिक्सिंग कर पाएंगे, ठीक है। और एक बात है, अगर विस्कोसिटी बहुत हाई है मिक्सिंग करना है तो भी एक मैंने तरीका मैं दिखा दूंगा। आप अगर दोस्तों ऐसा छोटा मशीन बना लेंगे तो आपको फायदा ही मिलेगा। एक जगह पर वो चला दीजिए, वो मिक्सिंग होता जाएगा, और एक जगह पर आप कुछ कीजिए, ठीक है। तो ये खर्चा भी बहुत कम है, बहुत कम है, 200-250-300 रुपया में उतना भी नहीं लगेगा, 100-150 में ये बन जाएगा, ठीक है। और एक बात है दोस्तों, आज का वीडियो जो है एक अनाउंसमेंट भी है, पीछे देख रहे हैं, ये एक ITI कॉलेज है। ये कॉलेज में हम लोग एक ट्रेनिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं। आप पहचानते हैं रंजीत सर को, मुंबई से बिलोंग करते हैं और मैं कलकत्ता से हूँ, ठीक है। रंजीत सर ने मुझे बोला था कि चलिए एक ट्रेनिंग करवाया जाए। अभी तो बहुत लोगों के पास जॉब नहीं है, बहुत लोग सोच रहे हैं कि अपना कुछ किया जाए, तो अभी हम लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं बहुत कम खर्चा में आप बहुत सारा प्रोडक्ट सीख सकते हैं। 3 दिन का ट्रेनिंग है, बस टिकट कटवा के आ जाइए, यहाँ और कुछ खर्चा नहीं लगेगा, खाना पीना रहना बिल्कुल मुफ्त। इसके साथ साथ 20 से 25 प्रोडक्ट आप बनाना सीखेंगे, कॉर्पोरेट लेवल का प्रोडक्ट होगा और लोकल ब्रांड, कम दाम में अगर बनाना चाहते हैं तो उसका भी फॉर्मूला और प्रैक्टिकल होगा, और अच्छा ब्रांडेड क्वालिटी अगर बनाना चाहते हैं तो उसका भी फॉर्मूला और प्रैक्टिकल। एक साथ साथ 2 टीचर आपको मिलेगा, एक तो रंजीत सर है और एक मैं हूं, ठीक है। तो देर किस बात की दोस्तों, बस टिकट कटवा के आ जाइए, और ये नंबर जो जा रहा है नंबर में संपर्क करके आप ट्रेनिंग के विषय में और भी ज्यादा कुछ जान सकते हैं। और एक बात है, अगर आप आना चाहते हैं तो 1000 रुपया आपको एडवांस देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा अरेंजमेंट करना है, ठीक है, आपके लिए सब कुछ करवाना है। यहाँ पे चाय मिलेगा, नाश्ता मिलेगा, लंच मिलेगा, डिनर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, आपको कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है, बस टिकट कटवा के आ जाए, ठीक है। तो चलिए कहाँ पे ट्रेनिंग होगा देख लेते हैं, जगह को देख लेते हैं, ठीक है, आ जाइए। दोस्तों आगे जो गेट दिख रहे हैं आपको, देखिए यही कॉलेज का गेट है, ये देखिए ये कॉलेज है, और राइट साइड में एक रास्ता सीधा आ रहा है, देखिए वो देखिए भैया थोड़ा साइड हो, हाँ ठीक है, ये देखिए पूरा रास्ता जो आ रहा है पूरा इधर आके एकदम गेट में आ रहा है, और ये थोड़ा फेमस कॉलेज है, तो किसी को पूछिएगा तो वो लोग भी आपको बता देगा, कोई
मैंने दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं। देखिए अभी अंदर आ चुका है हम लोग। सीधा ये जो रास्ता जा रहा है, देखिए दो कार खड़ा हुआ है, उसके बीच में से हम लोग जाएंगे। ठीक है, इधर ही पूरा अरेंजमेंट हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, खाना खाने का बंदोबस्त रहेगा, कुछ चिंता करने का जरूरत नहीं है। रूम देख रहे हैं, बहुत सारा रूम है इधर, आप रूम को इस्तेमाल कर लीजिएगा, 3-4 दिन रहिएगा। ठीक है, कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। इधर हॉल है, हॉल में हम लोग ट्रेनिंग करवाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग ऊपर जाएंगे। ऊपर में जाके देखेंगे। देखिए ये बहुत बड़ा कॉलेज है, तो आपको कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। कॉरिडोर बहुत बड़ा है, देखिए। ठीक है, बहुत सारा रूम है, एक साथ अगर 200-250 लोग भी आएगा, 100 आदमी आएगा, कुछ चिंता करने का जरूरत नहीं है। ऊपर में जो है ये 4th फ्लोर है, एकदम छत पे। देखिए यहाँ पे पानी का बंदोबस्त भी है। 3rd फ्लोर ऊपर छत में चलिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये 4th फ्लोर है, 3rd फ्लोर सॉरी, ये 3rd फ्लोर है। देखिए वो जो रास्ता मैं आपको दिखा रहा था, एकदम रास्ता वो आ रहा है, देखिए। हाँ, सीधा आके ये कॉलेज में आ रहा है। ठीक है, ऊपर से देखिए व्यू कितना अच्छा है। लेकिन एक बात को ध्यान में रखिएगा, छत पर मत आइएगा, क्योंकि छत पूरा देखिए बाउंड्री वॉल नहीं है, तो ये दिक्कत होगा। यहाँ का कमिटी जो है बस मुझे ही परमिशन दिया है, मैंने हम लोग जो है ये रंजीत सर है, मैं हूँ, बस ऊपर में वीडियो बनाने के लिए बस परमिशन मिला है। लेकिन आप लोग छत पर मत आइएगा। ठीक है, तो चलिए, तो दिखा दिया दोस्तों, अभी हम लोग नीचे जाएंगे। आप जब आइएगा आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो नीचे चलिए, नीचे ये देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो के टॉपिक में आते हैं। आज जो हम बनाना सीखेंगे वो है ये स्टीयरिंग मशीन। तो चलिए कैसे मैग्नेट स्टीयरर बनाया जाता है सीख लेते हैं। दोस्तों इसे बनाने के लिए देखिएगा, ऐसा एक पंखा लगेगा, ये 12 वोल्ट DC में चलता है। ठीक है, आपको क्या करना है, ऐसा ये जो इसका जो ब्लेड है इसको तोड़ देना है ऐसे। ठीक है, ताकि इसमें हवा अगर आएगा तो दिक्कत होगा। ठीक है, तो इसको तोड़ देना है। आप किसी चीज़ से काट भी सकते हैं, मैं हाथ से ये देखिए तोड़ दिया। ठीक है, देखिए अभी हवा नहीं आएगा, और लगेगा ऐसा बॉक्स मेरे पास है, ये चॉकलेट का बॉक्स है, इसमें मैं बनाऊंगा। ठीक है, आप अगर बड़ा बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो ऐसा फाइबर बना लीजिएगा, मैंने इसे बनाया है। तो ये कैसे बनाया जाता है, इसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके देख सकते हैं। ये फाइबर ग्लास है, ठीक है, ये बहुत ही मजबूत होता है। ठीक है, ये भी इससे भी आप बना सकते हैं। एक स्विच लगेगा, देखिए ये प्लास्टिक का स्विच मैंने इधर लगा दिया है। ये लगाने से क्या होगा, ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। ठीक है, अंदर में ही पूरा सिस्टम रह जाएगा, जो पावर सप्लाई सिस्टम है वो अंदर ही रहेगा। बस बॉक्स ऐसे बिठा के ऊपर में बिठा के आप चला सकते हैं। तो इसके लिए ये स्विच को लगाना पड़ेगा। और एक है ये देखिए, ये छोटा मैग्नेट है। ठीक है, ये बहुत पावरफुल है, ये 2 मैग्नेट मैंने ले लिया है। ठीक है, ये लगेगा, और लगेगा मैग्नेट को जोड़ने के लिए, या कुछ जोड़ने के लिए ये फेविक्विक। ओके, तो चलिए बना लेते हैं। ये पंखा
जो है इसको बस ये मैग्नेट जो है एक इधर लगाना है, एक इधर लगाना है, ठीक है। ये देखिए मैग्नेट बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये मैं इधर फेविक्विक से जोड़ दूंगा और इधर इसको जोड़ दूंगा। देखिए ये मैंने जोड़ लिया है, ठीक है। इधर फेविक्विक देकर, इधर फेविक्विक देकर बस जोड़ लेना है। इसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर जो है मतलब ये जो ऊपर का जो ढक्कन है इसको खोल के पंखा को इधर सेट करना है नीचे से। ये देखिए ये खुला है मैंने, तो इसको ऐसा फिटिंग करना है, ठीक है। ऐसा फिटिंग कर देना है इधर स्क्रू लगा के, और मिडिल में थोड़ा सा राउंड करके अगर काट दीजिएगा तो अच्छा होगा, ठीक है। थोड़ा सा राउंड करके काट देंगे। देखिए इसको इधर फिट कर दिया है, ठीक है। इसको ऐसे फिटिंग कर देना है, इधर ये घूमेगा, ठीक है। ये कटिंग थोड़ा मेरा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये इधर रख के ऊपर में कुछ रख के अगर इसको ऑन करेंगे तो देखिए देखेंगे क्या होता है। चलिए देखिए अभी इधर कनेक्शन देकर देखते हैं, ठीक है। 12 वोल्ट लाइन दे रहा है, ये देखिए चल रहा है ना, ये देखिए, ठीक है। तो चलिए अभी कुछ करके देखते हैं दोस्तों। अभी तो ये तैयार है, तो इसमें पानी देकर देखेंगे मिक्सिंग कैसा हो रहा है। और एक बात है दोस्तों, मेरे पास तो मैग्नेट नहीं है, मतलब जो स्टेयर करने वाला जो मैग्नेट होता है ना, देखिएगा वो नहीं है। तो इसके लिए मैं स्क्रू में ये मैग्नेट है, ये छोटा वाला मैग्नेट है, ये देखिए इधर एक और इधर एक लगा दिया है, ठीक है, ताकि ये घूमने में मदद करे, ठीक है। देखिए ये ऐसा दे दिया है, ठीक है। देखिए ये ऑन किया है तो कैसे घूम रहे हैं, ठीक है। अभी अंदर में कुछ नहीं है, पानी देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड देंगे तो पूरा उसको घुमा के ये पूरा घोल जो है तैयार कर देगा, मतलब जो आपका लाई है ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो अब हम इसमें पानी दे देंगे, और इसको चलाएंगे। ये देखिए मिक्स हो रहा है, ठीक है, वो घूम रहे हैं, स्पीड से घूम रहे हैं। इधर आप लाई ले दे दीजिएगा तो लाई पूरा मिक्सिंग हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी दे दीजिएगा, ऊपर से चम्मच से दे देने से पूरा मिक्सिंग हो जाएगा। जो भी दीजिएगा दोस्तों ये मिक्सिंग हो जाएगा, आसानी से मिक्सिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कलर देंगे, देखिए कलर कैसा मिक्स हो रहा है, देखिए। अंदर में जो घूम रहा है वो मार्केट में आपको मिल जाएगा, देखिएगा स्टेयर मशीन के लिए जो मैग्नेट मिलता है ना, वो मैग्नेट अगर परचेस कर लीजिएगा तो बहुत बढ़िया काम करेगा। ये छोटा छोटा मैग्नेट दो तरह का लगाया है मैंने, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, बाय बाय।